Hello there guys, what's up? Welcome back to my channel Clash with Aways, जहां मैं आपको सिखाता हूँ Clash of Clans की strategies, जो आपको easily 3 star दिला सके home base और builder base दोनों में। तो उम्मीद है आपने मेरे पहले videos देखे होंगे और आपको वो बहुत पसंद आए होंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोस को देख लीजिए, तो आपको इजीली स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी और आप उनके सीख के इजीली 3 स्टार कर पाएंगे। यो सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाइब्रिड स्ट्रेटजी फॉर टाउन हॉल 11, जो बहुत ही एक एफिशिएंट स्ट्रेटजी है जो आपको 3 स्टार दिला सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज मैं लाया हूँ आपके लिए TH10 की दी बेस्ट स्ट्रेटजी, दैट इज गोबोविच, या बोविच भी बोलते हैं इसे, जैप इन्फर्नो, जैप क्विक, बहुत नाम है इस स्ट्रेटजी के। ये एकदम फ्लुएंट स्ट्रेटजी है जो इजीली कोई भी बेस को 3 स्टार कर सकती है टाउन हॉल 10 के लिए। सो बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। इस स्ट्रेटजी में मैं यूज करूंगा 3 गोलम्स, 10 विचिज और 5 बॉलर्स। स्पेल्स आप देख सकते हैं, 8 लाइटनिंग स्पेल लिए, 2 अर्थक्वेक और 1 पॉइजन। और क्लैन कासल रूप्स में है 5 बॉलर्स, 1 जायंट, 1 फ्रीज और 1 सीज बैरक। इस स्ट्रेटजी में मैं 2 हिस्से में बांटूंगा, और एक में मैं सीज बैरक्स यूज करने वाला हूँ और एक में लॉग लॉन्चर। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा तो ये स्ट्रेटजी आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। वीडियो को 2-3 बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंडली चैलेंजेस लेकर, और आपको ये स्ट्रेटजी कभी फेल नहीं करेगी। सो लेट्स गो फॉर आवर वीडियो। हीरोज भी मेरे हैं बार्बेरियन किंग और आर्चर क्वीन दोनों। लेट्स गो फॉर द अटैक। ये आप देख सकते हैं, ये बेस मिला है मुझे टाउन हॉल 10 का, ऑलमोस्ट मैक्स है इसका। बार्बेरियन 34 पे है, आर्चर क्वीन अपग्रेड पे है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए हमारे पास 8 लाइटनिंग स्पेल है और 2 अर्थक्वेक स्पेल। तो 4 लाइटनिंग और 1 अर्थक्वेक यूज करके 1 इन्फर्नो डाउन होता है, और ये लाइटनिंग ऐसा डालेंगे कि आजू बाजू की बिल्डिंग्स पे भी डैमेज मिले, उसे हम स्प्लैश कहते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है स्प्लैश। बेस देख लीजिए एक बार अच्छे से, ये हम डालेंगे इस तरह से कि ये विजार्ड टावर को भी ले जाए साथ में। देखिए लेट्स डू द अटैक। डाल दिया हमने 4 लाइटनिंग, अर्थक्वेक डाल दिया, देखिए विजर्ड टावर हो चुका है डाउन और इन्फर्नो भी डाउन। यहाँ भी देख सकते हैं आप, इन्फर्नो डाउन, विजर्ड टावर आल्सो डाउन। यो, और एक्सपो भी लगभग डाउन हो चुका है, सिर्फ थोड़ा सा बचा है। सो गाइस, 10 टाउन हॉल हम डाल देंगे 3 गोलम, विचिस सारे, बॉलर्स, फिर हमारा सीज बैरक्स, बार्बेरियन किंग, आर्चर क्वीन, सब सीधा सीधा जाएंगे। और ये पाथ क्लियर हो चुका है तो वो वॉल्स तोड़ देंगे और सीधा अंदर जाएंगे। सो गाइस, ये तीनों तरफ से हमारा अटैक चलेगा। बीच में है बार्बेरियन किंग पेका, साइड में गोलम और बॉलर्स, और दूसरी साइड में भी गोलम और बॉलर्स, और ये सीज बैरक्स के विजार्ड सब अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे हमने फ्रीज डाल दिया क्योंकि हिडन टेस्लास बहुत डैमेज दे रहे थे, और पॉइजन हमने डाल दिया है बार्बेरियन किंग के ऊपर क्योंकि सीसी इसका एम्प्टी है। और ये हमारे सीज बैरक्स में से निकल चुके हैं बॉलर्स और जायंट, सारे ट्रूप्स हमारे तीनों तरफ से अटैक कर रहे हैं। सेंटर में है क्वीन, बार्बेरियन किंग, पेका, विजार्ड्स, गोलम, पेका, और हमारे कॉर्नर पे भी है बॉलर्स, विचिस। यो, तीनों तरफ से हमारा अटैक चलते हुए, सारे बेस को ये लोग तोड़ रहे हैं। 74% डैमेज हमें मिल चुका है। व्हाट अ स्ट्रेटजी गाइस, जस्ट ऑसम। देख सकते हैं आप, बिना किसी मेहनत के हमें इजीली यहाँ पे 3 स्टार मिल जा रहे हैं और हमारे मैक्सिमम ट्रूप बचे हुए हैं।
सो गाइस ये अटैक लर्न करना बहुत ही ईजी है। पहले तो हमें क्या करना है, इन्फर्नो डाउन करना सीखना है। तो स्प्लैश की प्रैक्टिस आप अच्छे से करिएगा, फिर सारे गोलम्स, फिर उनके पीछे विचिस और उनके पीछे बॉलर्स। गोलम हमारा टैंक है तो उसके पीछे हमारे सारे ट्रूप सेफ रहेंगे, तो गोलम को पहले डालना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अटैक की ओर। ये अटैक हमारा हो चुका है 3 स्टार। नेक्स्ट के लिए हम आर्मी रेडी कर लेंगे, क्विक ट्रेन में जाकर डायरेक्टली ट्रेन कर देंगे और फिर ट्रूप्स के लिए रिक्वेस्ट कर लेंगे। तो हमारी आर्मी रेडी होगी, फिर हम अटैक करते हैं गाइस। ये हमारी आर्मी रेडी हो चुकी है, लेट्स गो फॉर द अटैक। इन्फर्नो के ऊपर 4 लाइटनिंग, 1 अर्थक्वेक। यहाँ पे इन्फर्नो के आसपास खाली था, सिर्फ एक एयर स्वीपर था, तो हमने वो भी डाउन कर दिया है। फिर हम डाल देंगे तीनों गोलम्स, उनके पीछे विचिस, फिर बॉलर्स। बेस देख लीजिए अच्छी तरह से, हम उस तरफ से अटैक करेंगे बार्बेरियन किंग साइड से। 3 गोलम्स डाल दिए, 10 विचिस हमारे, फिर बॉलर्स, सीज बैरक्स, बार्बेरियन किंग और आर्चर क्वीन। यहाँ पे सीसी में से निकल सकता है कुछ भी, तो हम लास्ट तक अभी पॉइजन का यूज नहीं करेंगे, अटैक को ऐसे ही जाने दीजिए। ये हमारा पैका और बार्बेरियन किंग सेंटर में जा रहे हैं, और ये सीसी में से निकला इलेक्ट्रो ड्रैगन और बलून। सो पॉइजन और फ्रीज डाल दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रो बहुत डैमेज दे सकता है, इसीलिए हमने एक फ्रीज रखा है एक्स्ट्रा सीसी ट्रूप्स के लिए। और ये दोनों हो जाएंगे डिस्ट्रॉय विद आर्चर क्वीन। तो गाइस तीनों तरफ से हमारा अटैक चल रहा है, बीच में आप देख सकते हैं बॉलर्स है, पैका है, आर्चर क्वीन है हमारी। एक साइड पे पैकर्स बॉलर्स और दूसरी साइड पे भी बार्बेरियन किंग और पैकर्स है। सो गाइस तीनों तरफ से अटैक होगा, सारे बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एंड आर अटैक गोज टू बी अ 3 स्टार। टाउन हॉल 10 का जो है डिफेंस सबसे खतरनाक होता है इन्फर्नो, और ये स्ट्रेटजी में वो इन्फर्नो स्पेल से ही डैमेज हो जाता है। तो बाकी के डिफेंसेस हमारे गोलम्स और बॉलर्स डाउन कर देते हैं, इसीलिए हमारा अटैक इजीली 3 स्टार हो जाता है गाइस, क्योंकि इन्फर्नो पहले से ही डाउन होता है। कई दूसरी स्ट्रेटजी जो है वो इन्फर्नो की वजह से भी फेल हो जाती है, लेकिन ये स्ट्रेटजी फेल हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे इन्फर्नो ही नहीं बचता है। तो गाइस लास्ट डिफेंसेस आप देख सकते हैं, आर्चर क्वीन हमारे डिस्ट्रॉय कर देंगी, बॉलर्स भी बचे हैं, गोलम पूरा बचा हुआ है, तो गोलम यहाँ पे डैमेज ले रहा है एक्सपो का, और हमारा किंग से और उन्होंने डाउन कर दिया उसको। सो आर अटैक बिकम्स अ 3 स्टार, व्हाट एन अमेजिंग अटैक, लेट्स गो फॉर अनदर अटैक। ओ गाइस क्या हम ये अटैक कर पाएंगे, ये एक TH-11 में से। आप बहुत एक्साइट हो जाइए गाइस, एक्साइटिंग अटैक हम करने वाले हैं यहाँ पे TH-11 के ऊपर। सेम स्ट्रेटजी, अब ये स्ट्रेटजी यहाँ पे मैंने थोड़ी चेंज की है, देखिए यहाँ पर मैंने लिए स्पेल्स में हील लिया है, रेज लिया है, फ्रीज लिया है और 4 जो है अर्थक्वेक्स लिए। तो यहाँ हम इन्फर्नो डाउन नहीं करेंगे, और मैंने लिए वॉल ब्रेकर्स, लेट्स गो फॉर द अटैक। स्टार्टिंग तो सेम ही है, 3 गोलम डाल दीजिए, फिर विचिस, फिर बॉलर्स, फिर उसके पीछे सीज बैरक्स, और हमें यहाँ पे बार्बेरियन किंग और आर्चर क्वीन डाल दिए और वॉल ब्रेकर्स डाल दीजिए, ताकि वो वे क्लियर कर दे तो हमारे ट्रूप्स अंदर जाए। 3 डाल दिए हमने, बाकी के 3 भी डाल दीजिए। तो 2 वॉल लेयर टूट चुकी है, 2 वॉल रेकर्स अभी बचे हैं। ये सीसी में से निकला इलेक्ट्रो और बलून, सो हम पॉइजन एंड फ्रीज यूज कर लेंगे। ये देखिए 4
अर्थवेक से हमने वॉल्फ डिस्ट्रॉय कर दिया मैक्सिमम, हील और रेज डालते रहिए सो हमारे ट्रूप्स प्रोटेक्टेड रहे और फास्टली एक्ट करें। दो बॉम्बर्स बचे थे तो मैंने ऐसे ही डाल दिए वो। यहाँ पे हमारे ट्रूप्स टाउन हॉल 10 के होके टाउन हॉल 11 पर अटैक कर रहे हैं। क्या हम ये अटैक 3 स्टार कर पाएंगे अगेंस्ट टाउन हॉल 11 बेस? ये एक एक्साइटिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। लेट्स वेट एंड वॉच क्या हम अटैक 3 स्टार कर पाते हैं या नहीं। गाइस हमारी आर्चर क्वीन डाउन हो चुकी है लेकिन बार्बेरियन किंग मैक्सिमम बॉलर्स आपको दिख रहे होंगे, पैका भी हमारा अभी तक टिका हुआ है तो हम लगता है ये अटैक 3 स्टार कर पाएंगे। इसके इन्फर्नोस अभी बचे हुए, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओ ये था टोर्नेडो ट्रैप जो टाउन हॉल 11 पे होता है। मैक्सिमम बॉलर्स विजर्ड सब बचे हैं सो गाइस हम अटैक 3 स्टार कर जाएंगे। वो अनबिलीवेबल हमने अटैक कर दिया 3 स्टार अगेंस्ट द टाउन हॉल 11 बेस, जस्ट वाओ। लेट्स गो फॉर द अनदर अटैक सेम स्ट्रेटजी 4 अर्थक्वेक के साथ। आपको पता होगा कि 4 अर्थक्वेक से वॉल डैमेज हो जाती है। ये एक TH-12 बेस, सारे इन्फर्नोस इसके मल्टी पे है, 3 इन्फर्नोस है इसके पास और जो टाउन हॉल है वो भी अटैक करेगा। सो क्या हम ये अटैक करें 3 स्टार? लेट्स सी गाइस। 3 गोलम डाल दिए सारे विचिस, उनके पीछे बॉलर्स, फिर हम डाल देंगे सीज बैरक्स, बार्बेरियन किंग, आर्चर क्वीन और अब हम डालेंगे हमारे वॉल रेकर्स। 3 डाले पहले वो वॉल तोड़ देंगे और ये सीसी में से निकला है ड्रैगन और बलून सब मैक्स, सो हम डाल देंगे पॉइजन। बाकी के 3 वॉल ब्रेकर्स भी हम डाल देंगे, वो भी वॉल तोड़ देंगे। और ये ड्रैगन हो चुका है डाउन तो हम रेज डाल देंगे हमारे ट्रूप पे और थोड़ी देर बाद हील भी डाल देंगे जिससे ट्रूप प्रोटेक्टेड रहे थोड़ी देर तक। ये हमने 4 अर्थक्वेक डाल के वॉल तोड़ दिए मैक्सिमम, हील डाल दिए और ये सब मल्टी इन्फर्नोस। देखिए आप हमारे सारे ट्रूप्स को डैमेज मिल रहा है मल्टी इन्फर्नोस का। क्या हम ये अटैक कर जाएंगे 3 स्टार? क्या लगता है आपको? इस क्वेश्चन का जवाब हमें थोड़ी देर बाद मिल जाएगा सो लेट्स वेट एंड वॉच। ये सेकंड मल्टी इन्फर्नो भी डाउन हो चुका है, अब बचा है 1 मल्टी इन्फर्नो। इस कॉर्नर पे हमारे मैक्स बॉलर्स और जायंट एक्ट कर रहे हैं, बीच में हमारा आर्चर क्वीन और पैका। आर्चर क्वीन की एबिलिटी यूज हो चुकी है, पैका और गोलम बचे सो मुझे लगता है कि हम अटैक कर जाएंगे 3 स्टार। जस्ट ऑसम गाइस हम अटैक कर चुके 3 स्टार। अब हम जो अटैक देखेंगे उसमें मैं यूज करूंगा लॉन्ग लॉन्चर, जो पहले मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी वही सेम यूज कर रहा हूँ, बस उसमें सीज बैरक्स की जगह मैं यूज करूंगा लॉन्ग लॉन्चर पाथ क्लियर करने के लिए। लेट्स सी फॉर द अटैक। पहले तो आपको इन्फर्नो डाउन करने विद 4 लाइटनिंग्स एंड 1 अर्थक्वेक ईच। ये देखिए विजार्ड टावर भी मैं ले जा रहा हूँ साथ में, तो आप स्प्लैश की खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। साइड बिल्डिंग्स भी क्लियर हो जानी चाहिए लाइटनिंग से तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर साइड बिल्डिंग्स क्लियर नहीं हुई तो वो आपके ट्रूप्स को डैमेज दे सकती है जिससे आपका अटैक फेल हो सकता है। सो गाइस स्प्लैश की अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ 3 गोलम स्विचेस डाल दिए, लॉन्ग लॉन्चर डाल दिया है पाथ क्लियर करने के लिए, बॉलर्स, आर्चर क्वीन, बार्बेरियन किंग सब डाल दिया है। लॉन्ग लॉन्चर हमारा सब वॉल्स तोड़ते जाएगा और सीधा अंदर जाएगा। और ये सीसी में से निकला इलेक्ट्रो और बलून तो हमने डाल दिया है पॉइजन।
और फ्रीज भी कर दिया है जिससे हमारे टूल प्रोटेक्टेड रहे। इलेक्ट्रो हमारे टूल्स को बहुत डैमेज दे रहा है गाइस, क्या हम ये अटैक कर पाएंगे दृष्टा? इलेक्ट्रो बहुत खराब डैमेज दे रहा है और हमारी आर्चर क्वीन जो है वो साइड पे है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, ये एक ओवर पावर्ड स्ट्रेटजी है, कुछ भी हो 3 स्टार्स तो मिलने ही है। और ये इलेक्ट्रो हो चुका है डाउन आफ्टर सच डैमेज, और ये सारा बेस भी क्लियर हो चुका है हमारा गाइस, अटैक हो चुका है 3 स्टार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अटैक, सेम विथ लॉक लॉन्चर, लेट्स गो फॉर द अटैक गाइस। ये देख सकते हैं ये बेस मिला है, फुल ऑन 10 EH max बेस है, 10 मैक्स है, सिर्फ इसके हीरोज मैक्स नहीं दिख रहे, 9 लेवल कम है। सो हम डाल देंगे हमारे, ये देखिए आर्चर क्वीन भी डाउन करूंगा मैं गाइस, देखिए आर्चर क्वीन हो चुकी है डाउन। एग्जैक्टली आर्चर क्वीन के ऊपर डालेंगे ना तो आर्चर क्वीन डाउन होती है, बार्बेरियन किंग डाउन नहीं होता है क्योंकि इसके हिट पॉइंट ज़्यादा होते थोड़े। लेकिन आपने देखा कि आर्चर क्वीन कैसे डाउन हुई, उसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। तो हमने डाल दिए 3 गोलम्स, लॉक लॉन्चर, विचिस सारे डाल दिए और बॉलर्स, फिर हम डाल देंगे बार्बेरियन किंग और आर्चर क्वीन। तो हमारे लॉन्ग लॉन्चर ने 5 क्लियर कर दिया है, ये 2 गोलम्स अंदर जा रहे हैं, बार्बेरियन किंग भी साथ में जा रहा है असिस्ट करने के लिए, और स्केलेटन्स जा रहे हैं सब। ये देखिए हिडन टेस्ला को लॉन्ग लॉन्चर, टाउन हॉल भी लॉन्ग लॉन्चर ने अकेले डिस्ट्रॉय कर दिया, व्हाट एन अमेजिंग लॉन्ग लॉन्चर। तो हमारा सेंटर का बेस तो ऐसे ही क्लियर हो गया थैंक्स टू लॉन्ग लॉन्चर, और उसमें से जो बॉलर्स निकले वो बाकी का काम कर रहे हैं। और अब साइड में हमारा एक साइड बार्बेरियन किंग है और दूसरी साइड है आर्चर क्वीन, तो इजीली हम ये अटैक कर जाएंगे 3 स्टार थैंक्स टू दिस ऑसम स्ट्रेटजी, जो कोई भी इजीली सीख सकता है और 3 स्टार कर सकता है। शर्त ये कि आप अपने ट्रूप्स मैक्स कर लीजिए, मेरा गोलम 1 लेवल कम है लेकिन फिर भी मैं 3 स्टार कर पा रहा हूँ। अगर आपका 3 स्टार नहीं हो पा रहा है सो गाइस आप अपने ट्रूप्स को अपग्रेड करिए, श्योरली आपको एक 3 स्टार दिला जाएगी स्ट्रेटजी। और ये अटैक हो चुका है हमारा 3 स्टार ऑसम, लूट देखिए क्या मस्त लूट मिली है। लेट्स सी अनदर अटैक सेम विथ लॉग लॉन्चर, सेम आर्म में यूज कर रहा हूँ विथ लॉक लॉन्चर, लेट्स गो फॉर द अटैक गाइस। पहले हमें इन्फर्नो डाउन करना है, उसके साथ विजर्ड टावर। ये देखिए यहाँ पे फिर से मैं क्वीन को लेने की ट्राई करूंगा, एग्जैक्टली क्वीन इन्फर्नो पे, तो उसके ऊपर डाल दिया है और ये क्वीन हो चुकी है डाउन विथ 4 लाइटनिंग्स, आर क्वीन इज डाउन एंड इन्फर्नो इज ऑल्सो डाउन। यहाँ पे बार्बेरियन किंग को थोड़ा डैमेज मिला है लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया, पर इन्फर्नो तो हमारा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ये स्ट्रेटजी हमें इजीली 3 स्टार दिला जाएंगी। डाल दिया हमने 3 गोलम्स, लॉग लॉन्चर डाल देंगे, विचिस, बॉलर्स, फिर हम डाल देंगे बार्बेरियन किंग और आर्चर क्वीन। सो लॉग लॉन्चर ने वॉल्स तोड़ दिए, सो बार्बेरियन किंग और आर्चर क्वीन दोनों अंदर जा रहे हैं।
तीनों डिरेक्शन से ये अटैक हो रहा है। इसकी सीसी एम्प्टी है, सो हम पॉइजन डाल देंगे बार्बेरियन किंग के ऊपर, तो डाउन हो गया। ऐसे डाल दिया है मैंने। और ये हमारा बेस तीनों तरफ से क्लियर हो रहा है गाइस। एक साइड पे विचिस, दूसरी साइड पे विचिस एंड बॉलर्स, सेंटर में हमारा बॉलर्स, आर्चर क्वीन, गोलम, तो इजीली हम ये अटैक कर जाएंगे थ्री स्टार। इट्स जस्ट एन ऑसम स्ट्रेटजी, इजीली कोई भी सीख सकता है और थ्री स्टार कर सकता है। तो अभी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा इन्फर्नो डाउन करने की, इजीली अटैक आपका हो जाएगा थ्री स्टार। एक्सबो का फोकस हमारे गोलम्स पे था, तो हमारी आर्चर क्वीन सेफ थी। अब एक्सबो वो डाउन कर चुकी है, बचे हैं सिर्फ दो डिफेंसेस, आर्चर टावर और कैनन मोर्टार बचा है। और ये सारे डिफेंसेस हो चुके हैं डिस्ट्रॉय, सो आर अटैक्स बिकम्स अ थ्री स्टार हियर। यो, सारे अटैक्स इस स्ट्रेटजी से अभी तक थ्री स्टार ही हुए गाइस। सो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जो भी मुझे सपोर्ट करे उनका वेरी वेरी थैंक यू। बाय गाइस, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।